नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है। मनीष सिसोदिया को जान से मार दो, फांसी पर चढ़ा दो, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिया बयान। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए मनीष सिसोदिया की तुलना शहीद भगत सिंह से की है। केजरीवाल ने कहा कि मनीष सिसोदिया को जान से मार दो, फांसी पर चढ़ा दो, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, वो तो भगत सिंह हैं, देश के लिए खुशी खुशी फांसी पर चढ़ जाएगा। केजरीवाल ने आगे कहा कि पिछले 3 साल में देश में 60,000 सरकारी स्कूल बंद हो गए, देश की जनसंख्या बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है, लेकिन सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। केजरीवाल ने दोस्तों केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा, अगर आज कोई दोस्तों पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होता तो उसे पता होता कि देश को आगे ले जाने के लिए शिक्षा कितनी जरूरी है। वो 60,000 सरकारी स्कूल बंद नहीं करते, वो 6 लाख सरकारी स्कूल खोलते। देश में आज़ादी के 75 साल बाद भी सरकारी स्कूलों का कोई विकास नहीं हुआ, गरीब मजबूरी में अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजते हैं। केजरीवाल ने कहा कि 75 सालों के बाद ऊपर वाले ने एक व्यक्ति को भेजा, मनीष सिसोदिया। उन्होंने दिल्ली के स्कूलों का कायाकल्प कर दिया, गरीब के बच्चे आज डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने देश के करोड़ों बच्चों और माँ बाप के मन में एक उम्मीद पैदा की कि हमारे बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिल सकती है। आज दोस्तों रिक्शे वाले और मजदूर के बच्चे भी डॉक्टर हैं, इंजीनियर बनने का सपना देख रहे हैं। इनको एक अच्छा सपना दिखाने वाले व्यक्ति को प्रधानमंत्री मोदी ने जेल में डाल दिया है। मनीष सिसोदिया तो भगत सिंह हैं, चाहे उसकी जान ले लो, फांसी पर चढ़ा दो, वो खुशी खुशी फांसी पर चढ़ जाएगा। दोस्तों बहुत ही बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। केजरीवाल ने कहा कि इतने अच्छे व्यक्ति को प्रधानमंत्री मोदी ने जेल में डलवा दिया है। बता दें कि दोस्तों मनीष सिसोदिया शराब घोटाले में इस समय तिहाड़ जेल के अंदर बंद है, जिसमें बताया जा रहा है कि 100 करोड़ रुपए की शराब घोटाले का मामला है। और दोस्तों पुख्ता सबूत भी ईडी के पास हैं। अब फिर से दोस्तों इनकी रिमांड भी बढ़ा दी है। इसी बीच केजरीवाल का ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बहुत ही बड़ी खबर इस वक्त आ रही है।